हम लोग पति पत्नी दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, 10 साल हो गया, लेकिन विचार नहीं मिलते, परेशान रहते हैं, क्या उपाय है? सर मैंने कहा था दोनों चलते हो, पति थोड़ा गुस्सा करता है तो माता जी को चुप रहना चाहिए। माता जी रोज खाने में नमक ज्यादा डालती है, खाना लेट बनाती है, कुछ कहो तो सुनती नहीं। तो अगर पिता पति को भी हाँ ठीक है बाबा के बच्ची है सब एक जैसे नहीं है तो कहीं बातें सहन करना चाहिए। बार बार गुस्सा करते रहो, बार बार बोलते रहो तो क्या होगा? हाँ अभी इसका एक निवारण है, वो सवेरे कहा था मैं शाम को बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। दोनों पति पत्नी बच्चे को सब ज्ञान सुनाना चाहिए। कैसे उनको कभी भी नहीं कहो बाबा ने ऐसे कहा क्या, बाबा ऐसा कहता है, टोकना नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो एक तरीका है, जब भी आप माताजी 3 दफा पति को बच्चों को खाना खिलाते हो ना, कि नहीं खिलाते हो, हाथ से खिलाते हो, तो हाथ से खाना खिलाते हो, मन क्या करता है? खाना खिलाते समय आप आज की मुरली के पॉइंट याद करो कि बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको भी याद दिलाओ। मुख से नहीं बोलना है, मन से। खाना हाथ से खिला रहे हो, मन से ज्ञान का खाना खिला रहे हो। ये दोनों अगर आप सेवा 3 टाइम अगर ज्ञान सुनाते हो इस प्रकार मन से, तो आत्मा अपने आप परिवर्तन हो। इसको कहते बाबा की याद में खाना खिलाना, बाबा की याद में खाना खिला। बाबा की याद क्या? बाबा ने जो श्रीमद दिया वो याद होना चाहिए, उसको बाबा की याद। खाना खिलाते समय क्या याद रहता है पूछ लो, आपके मन में खाना खिलाते समय क्या याद रहता है? आप अपने को चेक करो, आप कौन सा खाना खिला रहे हो? शरीर के द्वारा शरीर को खाना खिला, आत्मा को क्या दे रहे हो? और चाहते हो ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छे बोले? शरीर तो बोलता नहीं, आत्मा बोलता है। आत्मा को भी शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन बाबा रोज मुरली देता है। तो खाना खिलाते समय आपके मन में आज के मुरली का याद आना चाहिए, आज बाबा ने ये कहा था, बाबा ये आपका बच्चा है, इनको भी आप सुनाओ। तो आपके विचार आत्मा को मिलता है, और हाथ से शरीर को खाना खिला रहे। ये दोनों काम अगर आप माता जी करते हो, पति शांत हो जाएगा। और पति को भी याद रखना चाहिए कि ये कौन, मेरी युगल नहीं, सुना था पहले ही, सवेरे उठते आंखें खोलते ही घर में आपकी युगल, आपके बच्चे सब दिखाई देते हैं, एक साथ सोते घर में कमरे में, उठते ही शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं। इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे दो। मन में उठते ही उनके प्रति शुभ सोचो, तो आपका दिन सवेरे उठते ही ये पति ये ऐसा है, ये बेटा ऐसा है, ये मेरी युगल ऐसी है, ये आता है, उनके कर्म याद आते हैं। वो नहीं आना चाहिए, उठते मेरे कोई नहीं, बाबा आपके बच्चे। और अगर कुछ भी वो होता है तो सहन करना सीखना चाहिए। नहीं सहन किया, अगर ये लक्ष्मी सत्युग में मिलेगी तो चलेगा? ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी सत्युग में जाएगी? सोच लो कहां जाएंगे, परमधाम में जाके रहना पड़ेगा, फिर से कलयुग में आना पड़ेगा। परिवर्तन यहां करना चाहिए, सहन करना सीखना चाहिए, चुप रहना सीखना चाहिए। अगर किसी एक दिन खाने में नमक ही नहीं डाला, वो अर्जा चुपचाप खा लो, वो अपने आप बताएंगे, अरे उसको माता जी जब खाना खाएंगे तब पता चलेगा, अरे आज नमक ही नहीं डाला, आपने बोला ही नहीं, तो कहेंगे को अर्जा नहीं, बाबा के याद में खाया, पता ही नहीं, मैंने भी खाया, बाबा ने भी बिना नमक का खाना खाया आज। वो सहन करने की शक्ति चाहिए। अगर थोड़ा कुछ गलत हो गया एकदम बोलते रहेंगे तो क्या होगा? कोई कहेंगे ये ज्ञानी आत्माओं का घर है, बताओ नहीं है ना? तो इसके लिए तो सहन करना सीखना चाहिए। हाँ कुछ ऊपर नीचे होता है, कोई देवता नहीं बने, बन के नहीं आए, सहन करना चाहिए, कुछ ऊपर नीचे होता। हाँ लेकिन एक बात याद रखो कि माता जी कहेंगे भाई जी पति रोज बोलता है, रोज गुस्सा करता है, मैं चुप रहो सदाई, नहीं। हाँ जब वो कुछ बोलते हैं तब 5 मिनट चुप रहना, 5 मिनट के बाद शांत हो गए
फिर एक घंटे के 5 मिनट के जाके बताओ आप इतने जोर से बोल रहे थे, क्या हुआ? जब आप उसका किसी का जवाब देते हो वो सुनता है। अगर पहले जब गर्म होता है कितना भी प्यार से बोलो, गर्म तवे पर ठंडा पानी डालो तो क्या होगा? तवा दिमाग गर्म है, आप कितना भी प्यार से बात करो कुछ नहीं असर पड़ेगा। तो उस समय एक ही सहन करना एक ही तरीका है, और वो कौन कर सकता है? जिनके पास ज्ञान और योग की शक्ति हो। ब्रेक लगाना आपने को, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, मुझे विकर्म नहीं करना है, ये भगवान के बच्चों से मुझे टकराना नहीं, मुझे हिसाब किताब बनाना नहीं, ये जिसके बुद्धि में है वो सहन करता है। भाई को भी याद रखना चाहिए, हाँ माता जी कैसे भी है कुछ भी करती है जो बाबा ने किया, दोनों को सीखना चाहिए। संभव है कि नहीं? जो समझते नहीं संभव है तो हाथ उठाओ भाई।